उसके पसंदीदा टीवी शोज में से एक रहा कसम तेरे प्यार की, आज भी दर्शकों की जुबा पर रहता है, जिसे इतना यादगार और दर्शकों के दिलों तक पहुंचाने का श्रेय अगर अभिनेत्री कृतिका सेंगर को दिया जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यही तो है जिन्होंने इस शो में अपनी जबरदस्त एक्टिंग से चार चांद लगाए थे और इस शो से हर किसी की चहेती अभिनेत्री बनी, जिसके चलते कृतिका सेंगर आज टीवी इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड अभिनेत्रियों में शुमार हो चुकी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जहां कृतिका सेंगर ने अपनी कामयाबी अपनी काबिलियत और मेहनत के बलबूते पर हासिल की है, तो वही ये अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने साथ साथ कुछ और लोगों को देती हैं, जिन्होंने किसी न किसी तरह से इनके करियर को सफल बनाने में इनका साथ दिया। तो आखिरकार कौन है वो पांच सितारे जिन्हें कृतिका सेंगर अपनी सफलता का क्रेडिट देती हैं? आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो के जरिए। नंबर वन, पंकज धीर। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शामिल है अभिनेता पंकज धीर का, जो बॉलीवुड के जाने माने अभिनेताओं में से एक है, जिनके साथ इन्होंने माय फादर गॉड फादर फिल्म में अभिनय किया था, जहां काम करने के दौरान पंकज धीर ने कृतिका को अपनी बहू के रूप में चुन लिया, जहां शादी के बाद पंकज धीर ने हमेशा इन्हें अपनी बेटी की तरह ही प्यार दिया और छोड़ दी, जिसके चलते जब शादी के बाद कृतिका को कसम तेरे प्यार की सीरियल का ऑफर मिला तो उन्होंने अपने परिवार के सपोर्ट की वजह से ही इस शो को करने के लिए हामी भरी और उसे करके अपने करियर में चार चांद लगाए। नंबर टू, एकता कपूर। जी हाँ, अगर आज कृतिका सेंगर दर्शकों के फेवरेट बन पाए हैं तो उसमें सबसे बड़ा हाथ एकता कपूर का ही है, क्योंकि यही तो वो शख्स है जिसने इन्हें इंडस्ट्री में कदम रखने का मौका दिया। साल 2007 में जब कृतिका सेंगर एक एड एजेंसी में काम कर रही थी तो एकता कपूर के ही शो ने उनके लिए इंडस्ट्री के दरवाजे खोले, जिसके चलते कृतिका अपनी काबिलियत और मेहनत दिखा पाई और आज इंडस्ट्री की सबसे सफल अभिनेत्रियों में अपना नाम शुमार कर पाई हैं। नंबर थ्री, गुरमीत चौधरी। इस लिस्ट में एक नाम अभिनेता गुरमीत चौधरी का भी शामिल है, जो टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर है। आपको बता दें, गुरमीत चौधरी और कृतिका सेंगर ने साल 2012 में जी टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पुनर्विवाह में काम किया था, जिसमें काम करने के दौरान कृतिका सेंगर कई बार अपने सीन्स को लेकर कंफ्यूज और नर्वस हो जाती थी, जिसमें इनकी मदद के लिए अगर सबसे पहला हाथ किसी का होता था तो वो गुरमीत चौधरी का होता था, जिसके चलते कृतिका सेंगर अपने किरदार को परफेक्टली पर्दे पर उतार पाई और आगे कई शोज अपने नाम कर पाई। नंबर फोर, अदिति शर्मा वेद। इनके इसी शो में इनकी बहन की भूमिका निभाने वाली अदिति शर्मा वेद भी उन्हीं सितारों में से एक है, जिन्हें अपनी कामयाबी और सफलता का क्रेडिट देती हैं। और बात करें कि आखिर कृतिका सेंगर अदिति को अपनी सफलता का क्रेडिट क्यों देती हैं, तो आपको बता दे, दरअसल शो में काम करने के दौरान इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब भी कृतिका सेंगर मायूस होती या अपनी राह से भटक जाती तो उन्हें समझाने वाली अदिति शर्मा ही होती थी, जिसके चलते ये हर बार अपना बेस्ट दे पाए और उन्हीं के सपोर्ट की वजह से हमेशा ही मोटिवेटेड रही, जिसके चलते वो अपनी कामयाबी के लिए इन्हें भी हकदार मानती हैं। नंबर फाइव, शरद मल्होत्रा। इस कड़ी में आखिरी नाम शामिल है अभिनेता शरद मल्होत्रा का, जिन्होंने इनकी इसी शो में इनके लव पार्टनर की भूमिका निभाई थी, जहां शो में इन दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को बेहद पसंद आई, जिसके चलते इन दोनों ने दर्शकों का खूब प्यार और सराहना हासिल की थी। यही वजह है कि कृतिका शरद मल्होत्रा को अपने लिए काफी लकी मानती हैं और इन्हें अपनी सफलता का क्रेडिट देती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कृतिका सेंगर का इन सभी को अपनी सफलता का क्रेडिट देना सही है या गलत? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और भी मजेदार खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।